Yes, hello everyone. Today, Divya with us. She is a Gandhi Fellow. You have completed your fellowship program, right? Yes. Oh, which batch you are from? Well, I am Batch 12 Fellow and I have recently graduated in 2021 as a 12 Batch Fellow. That's good to hear. So tell me about your brief introduction so we can move ahead then. I am from Patna, Bihar. Okay. And what about your family background? I have three sisters. They all are studying presently. And I am the eldest one in them. So, yeah. I live with my parents and my three sisters in Patna. So that's great. From where did you got to know about this Gandhi Fellowship program? Okay, so during my masters, mera masters ka last semester chal raha tha. And I was about to complete my last semester. And then suddenly, one of my friend told me about this real work. College mein kuch posters lage the, real work karke. So I went there because bachpan se hi mujhe social sector attract karta tha, you know. Apart from ki mera background science tha, maine master's chemistry mein kara. But jab mujhe laga ki haan, ye real work karke kuch hai, so I went there. और वहां पर जाकर के गांधी फेलोशिप की टीम आई हुई थी. उन्होंने हमें ओरिएंट किया अबाउट द फेलोशिप व्हाट इट इज. तो जब मैं सुन रही थी देन मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू. सो जब उसके बारे में पता चला जो गांधी फेलोशिप की टीम थी उन्होंने एक एक चीज बताई कि फेलोशिप क्या है, आप 2 साल क्या कर रहे होगे, आपकी जर्नी कैसी रहेगी और आपको एज एन इंडिविजुअल ये प्रोग्राम कैसे शेप कर रहा होगा. देन फिर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया एंड उसके बाद फिर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, फिर आई वेंट थ्रू दैट. सो या इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हुआ. आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? तो मेरी पोस्टिंग झुंझुनू राजस्थान में हुई थी. तो मेरी 2 साल की फेलोशिप, 1 साल मैंने झुंझुनू राजस्थान में कंप्लीट करा फेलोशिप एंड पैंडमिक के टाइम पे मैं सिंघाना में आ गई थी. तो सिंघाना भी झुंझुनू से थोड़ा सा दूर है. तो यस, मेरी पूरी फेलोशिप 2 जगह से हुई है, झुंझुनू एंड सिंघाना, बोथ आर इन राजस्थान. अभी अभी के जो नया बैच ज्वाइन हुआ है उसमें बहुत सारे फेलोज बता रहे थे कि वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो लोग मिस कर रहे हैं फील्ड वर्क को. तो आप फेलोशिप की जर्नी को थोड़ा और थोड़ा डिस्क्राइब करके बताएं कि कैसा था वहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो गूगल पे मिल जाता है, फेलोशिप की वेबसाइट पे मिल जाता है, बट एक्सपीरियंस ये नहीं मिल पाता है. तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे फेलोज के साथ रहना? तो स्टार्टिंग में जब हम सभी जाते हैं वहां पे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि कैसे लोग होंगे, क्या माहौल होगा, क्या एनवायरनमेंट होगा. सो जब मैं गई बगर, हमारी जर्नी जो पूरी फेलोशिप की शुरू होती है किसी भी गांधी फेलो की, वो बगर से होती है जहाँ पर पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप है. तो मेरी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई. मैंने 25 जून 2019 को मैं बगर पहुंची एंड वहां से हमारा ओरिएंटेशन, जिसको हम इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, वो शुरू हुआ. एंड द वेरी फर्स्ट डे जैसे ही आप पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप पहुंचते हो, वो एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली होता है, वहाँ के लोग इतने फ्रेंडली होते हैं जो आपको अपने में इमर्स कर लेते हैं. आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एक स्ट्रेंजर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इंडिया के किस कोने से हो. बिकॉज वहाँ पे एक मतलब साउथ का बंदा, एक कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई साउथ इंडिया से, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, हर जगह के लोग होते हैं. एंड सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक फैमिली बन जाते हो. तो हम इसी पे बात कर रहे थे, आपसे पूछने वाले थे कि जैसे ये फेलोशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे फील्ड वर्क होता है, आप घर से दूर जाके रहते हैं, तो
जो फीमेल्स है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहती है, बट वो फील्ड वर्क सुन के डर जाती है कि नहीं, परमिशन नहीं दिया जाएगा घर में, तो ये कैसा रहे उनके लिए अगर इन्वायरमेंट का बात करें फीमेल फ्रेंडली तो? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम साउंड डिस्टरबेंस, जस्ट यस। तो हाँ शुभम, तो ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया था, एंड ये क्वेश्चन मैंने गांधी फेलोशिप टीम से भी पूछी थी जब वो ओरिएंटेशन के लिए आए थे। तो बिल्कुल ये चीजें होती है, बीइंग अ गर्ल आप रूरल एरिया में जाओगे, काम करोगे, एंड आप स्कूल के बच्चों के साथ काम करोगे, वहां की कम्युनिटी के साथ काम करोगे, बट पूरी गांधी फेलोशिप टीम सिक्योरिटी का, ना सिर्फ गर्ल्स के, बॉयज के भी सिक्योरिटी का कंप्लीटली ध्यान देती है। वहां पर एक पॉश है, पॉश इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट, जो कि सिर्फ इसलिए ही बना है, जो किसी भी तरीके का सेक्सुअल हेरासमेंट जो होता है उससे कैसे वो फेलोज की हर हर संभव कोशिश करती है। आपके हर कदम पे लोग होते हैं, वहाँ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है, इंटायर आपकी फेलोशिप टीम होती है जो कि आपके हर हर चीज का टेक केयर करती है। तो या बीइंग अ गर्ल आई डोंट थिंक कि कोई भी इश्यू पूरे इंडिया में, बिकॉज आई नो महाराष्ट्र के रूरल एरिया में काम करते हैं लोग, झारखंड के रूरल एरिया में काम करते हैं, बिहार के, राजस्थान के, तो बट सिक्योरिटी वाइज इट्स कम्प्लीटली सेफ, दिस आई कैन मतलब अश्योर। कि अगर कंप्लेन किया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान रखेगी पॉज एक्ट के तहत? बिल्कुल बिल्कुल, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो रखेगी रखेगी, आपके जो पीयर ग्रुप हैं, आपके जो पीयर, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो प्रोग्राम लीडर्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, पूरी टीम होती है जो आप, जो कि आपके हर एक दिन का ब्रीफिंग करती है कि आपने पूरे दिन क्या किया, आपके क्या अप्स रहे, क्या डाउन्स रहे। वहां पे आप बेहिचक कोई भी चीज आप शेयर कर सकते हो उनको, और वो हर संभव मदद करता जी, है। और एक फेलो का एक क्वेश्चन था, वो छोटा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, कि वहाँ पे लॉजिंग फूडिंग का क्या है? मतलब फूडिंग वो लोग प्रोवाइड कराते हैं या आप लोग खुद से करते हैं? वेल दिस इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। तो आपको जो भी लोकेशन मिलता है आप पहले वहां पे जाओगे, पहले तो आपकी जर्नी जैसे पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप से शुरू होती है, आपका कुछ दिन का इंडक्शन होता है, उसके बाद आप अपने लोकेशन पे जाते हो, तो वहां पे आपको फेलो हाउस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। गर्ल्स के लिए गर्ल्स फेलो हाउस होता है एंड बॉयज के लिए बॉयज फेलो हाउस होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लोकेशन मिला। उसके साथ ही आपको एक कुक मिलते हैं जो कि खाना बनाने आपके कुक विल हेल्प यू, यस हेल्प यू इन फूडिंग एंड ऑल। तो बट आपको एक फेलो हाउस में 4 से 5 लोग रहते हैं, तो आप मंथली कंबाइन करते हैं, जो भी ग्रोसरी आइटम होता है वो मंथली आप कंबाइन करते हो, एंड वो ज्यादा कॉस्ट नहीं करता, बिकॉज सपोज कि अगर आप 1 महीने में आपका जो भी जो जिसको राशन का सामान कहते हैं, आप 5 लोग अगर कंट्रीब्यूट करके आप उतना कर ले रहे हो तो काफी कम कॉस्ट आता है। हाँ लॉजिंग वगैरह का कम्प्लीटली वो लोग प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड यू विद कुक क्लीनर एवरीथिंग, सो या और जैसे कोई भी स्टूडेंट्स गांधी फेलोशिप के बारे में जानता है, तो जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से थे, कोई आर्ट से था, किसी को सोशल वर्क से कुछ मतलब नहीं था, फिर भी वो जाके ज्वाइन करते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि किसी भी स्ट्रीम से अगर स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ पे बेनिफिशियल है उनके लिए? बिल्कुल, आई एम द बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट, बिकॉज मेरा सोशल वर्क से कोई भी लेना देना नहीं था, और मैंने ग्रेजुएशन भी केमिस्ट्री से करा एंड मास्टर्स भी दोनों मैंने पटना यूनिवर्सिटी से करा, पटना साइंस कॉलेज से। और मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ तो अलग करना है, बिकॉज मुझे फैसिनेट नहीं करता था साइंस बैकग्राउंड, सो या जब मैं गांधी फेलोशिप में गई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो गांधी फेलोशिप आपको देता है, इट ट्रांसफॉर्म्ड यू कम्प्लीटली फ्रॉम विद इन। आप जब वैसे लोगों को देखते हो जो कि अपना पूरा टाइम सोशल वर्क में लगाते हैं, आप और वो हर संभव आपकी मदद करते हैं, आपको शेप करने में मदद करते हैं, सो आई 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 कम्प्लीटली आई मीन अग्री विद द पॉइंट कि गांधी फेलोशिप प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म जो कि
आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये एक सोशल वर्क के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे आप बताना चाहे तो आपका प्रोजेक्ट क्या था, मतलब आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे? तो गांधी फेलोशिप में भी बहुत सारे प्रोग्राम है। शायद जो अभी न्यू फेलो है उनको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पता हो, तो मैं भी एक ब्रॉड टर्म में ही बताऊंगी। हाँ पहला तो है स्कूल लीडरशिप पे काम करते हैं, जो कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इंश्योर करता है। हमें 5 स्कूल्स या फिर 10 स्कूल्स देते हैं, हम उन स्कूल्स में जाते हैं, उन कम्युनिटीज में जाते हैं, और वहां पे इंश्योर करते हैं कि कैसे जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो बच्चों की बढ़ सके। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, जो कि हमारे बैच से ही शुरू हुआ था। सो आई एम लकी कि मैंने मैंने पूरी फेलोशिप में 2 पायलट प्रोजेक्ट का मैं पार्ट रही हूँ। पहला तो था दैट इज लीप्स। तो लीप्स को मैं छोटा थोड़ा थोड़े से मैं डिफाइन करना चाहूंगी। लीप्स इज लाइफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम इन सेकेंडरी एजुकेशन। हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के साथ काम करते थे। उसमें हम बच्चों के लाइफ स्किल बढ़ाने पर ध्यान देते थे। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते थे जिससे कि बच्चों में छोटी छोटी स्किल्स जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हुआ, लीडरशिप हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। सो इन गवर्नमेंट सारी स्कूल्स चीजों पे हम काम कर रहे थे। हाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स। यस, गवर्नमेंट स्कूल। ओके, आप थोड़ा अपना डे बता पाएंगे कि आपका दिन कैसा रहता था? क्योंकि फील्ड वर्क बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, आपको बाहर रहना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। जो भी स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो अप्लाई करेंगे, उनको एक आराम पसंद माहौल में वो रहे हैं, और कितना टफ होगा उनके लिए पूरा दिन गांधी फेलोशिप। अगर आप पैशनेट हो और आप सच में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, सो ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होता है। यू विल एंजॉय योर जर्नी। बिकॉज मैं आपको अपना बताऊं, मैंने एक दिन में 100 100 किलोमीटर्स भी ट्रेवल किया है इन झुंझुनू। बिकॉज मेरा एक स्कूल था वो अप्रोक्स 50 किलोमीटर था मेरे फेलो हाउस से, तो मैं ट्रेवल करती थी। एंड ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होता है। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में अपना जब आप बच्चे के चेहरे पे स्माइल देखते हो ना, आपको लगता है कि हाँ, जिस बच्चे के पास उस क्वालिटी में एडुकेशन नहीं पहुंच पा रहे, और आपको लगता है कि आप उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके बाद कुछ स्ट्रेस कुछ नहीं वो फील अलग होता ही है। एंड या फील यस 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 सो बिकॉज दैट्स मेक्स यू अ गुड लीडर, राइट? क्योंकि आप अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हो उनके लिए। आप पूरे दिन, आप सुबह उठते हो, 9 बजे स्कूल जाते हो, वहां पे आप अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करते हो, आप पीओज के साथ मिलते हो, आप टीचर्स के साथ मिलते हो, आप अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो उनके साथ इंटरवीन करते हो, एंड देन आप वापस आते हो। उसके बाद आपका एक डिब्रीफ होता है जो कि आपके छोटे से पीयर ग्रुप के साथ होता है, जहाँ पे आप बताते हो कि पूरे दिन आपको आपने क्या किया, आपकी क्या लर्निंग रहे, आपके लोज एंड हाई मोमेंट्स क्या रहे, और आपस में आप एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हो। तो यार, दिस इज द एंटायर डे। आप ट्रेवल कैसे करते थे? वो लोग आपको फैसिलिटी देते थे या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे? तो दे प्रोवाइड यू स्कूटी और बाइक, वॉट एवर। उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और हाँ, अगर सपोज के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या उसको ड्राइविंग नहीं आती है, तो ऐसा होता है कि आप ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब एक बाइक पे 2 लोग, तो वो लोग वैसे ही प्रोवाइड करते हैं। स्कूल का रूट भी वो लोग वैसे ही डिसाइड करते हैं कि एक रूट पे 2 लोग जा सके साथ में जिनको बाइक नहीं आती है। आई एम वन ऑफ दोज फेलोज जिसको ड्राइविंग नहीं आती थी। फेलोशिप के टाइम पे मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं था। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप अगर फेलोशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी, और एक जैसे आप पटना से थी, बिहार से हैं, और आप हिंदी आपका रीजनल लैंग्वेज है, और जी आप राजस्थान में होंगी, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज कुछ और होगा, या फिर आप अगर साउथ में या जम्मू कश्मीर में पोस्ट होती तो कुछ और होता। तो कैसे मैनेज करते हैं आप उसको? वेल
मैं बहुत सारे ऐसे फेलोज को जानती हूँ जो साउथ से आते हैं, उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, तो स्टार्टिंग में तो उनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, बट धीरे धीरे दे ऑल्सो ट्राई टू अडेप्ट द रीजनल लैंग्वेजेस. वो टूटी फूटी हिंदी बोलने लग जाते हैं या फिर समझने लग जाते हैं. और जब आप पीयर ग्रुप के साथ होते हो तो वहां पे आपको कोई ट्रांसलेट करके समझा देता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. एंड बहुत सारे ऐसे फेलोज मैंने देखे हैं जो कि साउथ से हैं, जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, जिनको मतलब हिंदी समझ में नहीं आती है, उन्होंने भी अपनी पूरी फेलोशिप कंप्लीट की है 2 इयर्स की, बिकॉज आपका काम समझ में आता है, आप जो वहाँ पे पढ़ाओगे वो समझ में आता है लोगों को, आप जो बातें करोगे वो समझ में आता है. क्योंकि वहाँ के जो पीओज हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो दे आर कंफर्टेबल इंग्लिश ऑल्सो, और अगर हिंदी आती है तब तो पूरे देश में आप एलिजिबल हो. जी, और एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है, गांधी फेलोशिप के वेबसाइट में या हर जगह ही बताया गया है कि प्लेसमेंट ड्राइव होता है या फिर वो आपको हेल्प करते हैं, तो वो प्लेसमेंट ड्राइव क्या है? कैन यू रिपीट? गांधी फेलोशिप के वेबसाइट में बताए जाते हैं कि वहां पे आप फेलोशिप जब कंप्लीट करते हैं तो एक प्लेसमेंट ड्राइव होता है या फिर आपको हेल्प किया जाता है आपके फ्यूचर के लिए, तो वो कैसा हेल्प होता है? गांधी फेलोशिप 4 सेमेस्टर्स में बटा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो थ्रू आउट आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम होता है हर एक सेमेस्टर में. लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके स्किल को पहचानने में और कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर हर एक चीज पे काम करने के लिए मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है. एंड ऑल्सो आपका जो करियर अलाइनमेंट है उस पर भी बैठकर बातचीत होती है कि कैसे आप अपना ड्रीम आर्टिकुलेट कर सको, या फिर जो आपके जो आप करना चाहते हो, लाइक अगर आप गवर्नेंस में जाना चाहते हो या आप एडुकेशन में जाना चाहते हो या लाइवलीहुड में, आपको पर्टिकुलरली वैसा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप पर्टिकुलर फील्ड में जा सको. तो यस, ये पूरा एक सिस्टम है वहाँ. एक फेलो थी, वो सेलेक्ट हुई थी इंटरव्यू के लिए और वो हमसे पूछी थी कि सर 12,000 14,000 पर मंथ मिलेंगे और जिसमें से 7,000 मिलेंगे और 7,000 सेव कर दिए जाएंगे 23 मंथ्स का, मेरे 1,61,000। तो ये वो बताए कि ये बहुत नहीं है पर मैं देखती हूँ इससे अच्छा तो जॉब होगा, तो ऐसा जो सोच है कि इससे अच्छा तो जॉब हो जाए, इस पे आपका क्या व्यू है? तो फर्स्ट थिंग कि फेलोशिप इज नॉट जॉब, यहाँ पे आप अपने विल से आते हो, ये बेसिक आपको हाँ ये सब फेलोशिप इट्स नॉट अ जॉब, ये आपका खुद का चॉइस है कि आप आओ. और यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि मनी बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती है. जो भी फेलोज आते हैं आप कभी भी ये नहीं सुनोगे कि हम मनी के लिए आए हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी मिनिमल अमाउंट. ये एक स्टाइपेंड होता है, सैलरी भी नहीं होता है, स्टाइपेंड होता है, बट हाँ इनफ होता है फॉर 1 पर्सन, बिकॉज आपको लॉजिंग भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आपका पेट्रोल वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वाईफाई वो लोग प्रोवाइड करते हैं. तो आई थिंक कि 7,000 और का जो अमाउंट है वो मिनिमल आई मीन सफिशियंट होता है एक फेलो के लिए. एंड यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप जो कि आपका पर मंथ 7,000 जो एग्रीगेशन में वो लोग रखते हैं अपने पास, वो आपको आफ्टर फेलोशिप दे प्रोवाइड. जी, थैंक यू। और आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके फेलोशिप ज्वाइन करने से? तो फर्स्ट थिंग कि मेरी फैमिली में किसी को भी पता नहीं था कि गांधी फेलोशिप क्या होता है ऑनेस्टली. तो जब फाइनली मेरा सिलेक्शन ऑफर लेटर आया तब जाकर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने पहले बताया भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ. जब फाइनली आ गया सो आई टोल्ड देम कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे राजस्थान जाना है. सो दे वर ऑब्वियसली शॉक्ड कि कहाँ जाओगी. ऑब्वियसली बींग अ गर्ल कंसर्न होता है कि अकेले कहाँ जाओ, बट हाँ मेरे अंदर एक जुनून था. मैंने उनको बताया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं गांधी फेलोशिप के, मैंने उनको दिखाया कि सी ये काम है, यहाँ पर मैं रहूंगी और सिक्योरिटी वाइज सब सही है.
तो तब जा करके उनको लगा मैंने कन्विंस करना पड़ा। वो एक चीज है ना कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करोगे तो फिर आगे जाकर आप सोसाइटी में क्या शिफ्ट लेकर आओगे। तो पहला शिफ्ट आपके फैमिली से ही शुरू होता है, माइंड शिफ्ट जिसको कहते हैं। तो यस, थोड़ा बहुत उनको समझाने पर वो मान गए एंड यस, फिर चीजें स्मूथ होती चली गई। और सारा क्वेश्चन तो लगभग कवर हो गया है, और आपका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है बताना चाहें तो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शुभम। सो फ्यूचर में आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नेंस। मुझे गवर्नमेंट को समझना अच्छा लगता है, मुझे पॉलिसीज पे काम करना अच्छा लगता है, पॉलिसीज पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं फ्यूचर में ऑब्वियसली जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है मैं उसी पर काम कर रही होंगी, कुछ ऐसे फर्म के साथ जो कि पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। सो या और जो जो भी लोग खुद का अगर एनजीओ आगे कर बिल्ड करना चाहते हैं, खुद का एनजीओ चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या फेलोशिप ज्वाइन करना बेनिफिशियल होगा? यस, बिकॉज 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ स्टार्टअप्स, जिसको हम स्टार्टअप आजकल कह रहे हैं। लोग अपने आइडिया को लेकर आते हैं। यस, हमारा एक और प्रोसेस होता है गांधी फेलोशिप में, जिसमें वो आइडियाज वेलकम करते हैं। वो जो फेलोज जब इसमें आएंगे उनको और वो विटनेस करेंगे ये चीज, जहाँ पे उस आइडिया को वेलकम किया जाता है। फिर एक पूरी टीम होती है, अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो फिर वो फर्दर जाता है, उनको उस नेटवर्क ऑफ पीपल के साथ उनको कनेक्ट करवाया जाता है ताकि वो उस आइडिया के साथ आगे कैसे बढ़े। तो बहुत सारे ऐसे एक्स फेलोज हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और आज वो एक एंटरप्रेन्योर है। जी जी थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज था ये सब, इसलिए हम आपको इनवाइट किए थे, इसके लिए थैंक यू। और फ्यूचर में और भी क्वेरीज आने वाले हैं, तो आपको वापस आना होगा किसी फ्री टाइम पे उन सब क्वेरीज को थैंक यू, सॉल्व करने थैंक यू के सो मच लिए। शुभम। थैंक यू। सो इट वाज आई मीन थैंक यू सो मच, बिकॉज आप जैसे लोग ही होते हैं जो इतने क्यूरियस, जो फेलोज या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्वेरीज को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो। सो ग्रेट वर्क, थैंक यू सो जी मच। मैं भी फेलोशिप में सेलेक्ट हुआ था, मेरा लेटर आया था इसी अप्रैल मंथ में, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं दूसरी जगह जॉब कर रहा हूँ, और इसलिए अब ज्वाइन नहीं कर पाया, तो बाकी फेलोज को हेल्प ही कर रहा हूँ। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव शुभम, आप हेल्प कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट पार्ट। थैंक यू। तो थैंक यू सो साइन ऑफ मच। करते हैं।